नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं भजन तीरथ। भजन तीरथ चैनल हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को समर्पित है और आज हम मौजूद है सेक्टर 10 द्वारका के रामलीला में, जिसको आयोजित किया है द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रावण के किरदार में श्री अजय जी। अजय जी, आपका अभी आप यहाँ ग्रीन रूम में जैसे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप इस किरदार के लिए कितनी आपने मेहनत की है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। संक्षिप्त में बताऊं तो संक्षिप्त में तैयारी नहीं हुई है, तैयारी में काफ़ी समय लगता है। मतलब मैं गत वर्ष जो 2019 की लीला थी उसमें भी मैंने रावण की भूमिका निभाई थी, पर इस बार मैं थोड़ा लेट आया तो इस बार शायद उन कम दिनों की वजह से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि 15 दिन मैंने करीब रिहर्सल्स के दिए थे तो मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ी और ज़्यादा वक्त देना पड़ा इस रोल के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि रावण लगभग यहाँ पर 9 दिन मंच पर रहता है और लगभग रामलीला के पैरेलल रावण लीला भी चलती है, तो दोनों ही पहलुओं को रामायण की दिखाना और मतलब रावण की एक एक बारीकी को ये लोग हम लोग मंच पर दिखाते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है। जैसा कि आपने कहा कि रावण लीला भी साथ साथ चलती है, तो आपके हिसाब से रावण की किन अच्छाइयों को जो समाज में आना चाहिए? मैम, मैं एक ही बात कहूँगा कि आज की डेट में ना राम तो भूल जाओ, आज की डेट में हमें आज के वक्त में आज का जो दौर चल रहा है हमें रावण अगर मिल जाए, कोई एक आध अगर हमें रावण भी मिल जाए तो भी शायद हमारा उद्धार हो सकता है हमारे देश का या हमारे पृथ्वी का बेसिकली। तो उनके गुण के बारे में बात करें तो जैसे वेद के ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे, अपने आप में एक कैरेक्टर परिपूर्ण था जिसमें सभी रसों का आप देखोगे संगीत में उनकी रुचि थी, उनके जैसा वीणा वादन कोई नहीं करता था, साक्षात माता सरस्वती उनके हाथों में थी, उनकी जीवा पे थी, तो वो सारी बातें हैं। उसके अलावा उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था, महारथी कोई नहीं था जिसने अपनी बहन के लिए, बहन के अपमान के लिए, चाहे कारण कुछ भी रहा हो लेकिन अपनी बहन के अपमान के लिए, उसको पता था कि वो विष्णु का अवतार है, जानते हुए भी उसने बैर बढ़ाया लेकिन वो झुका नहीं। तो आज हमें भी अपनी बहन बेटियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, समाज में सभी को लेना चाहिए मेरा मानना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हमें बहनों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। पर हाँ, ऐसा नहीं कि बहनों के लिए आवाज़ उठाने के लिए किसी की स्त्री का हरण करके ले आओ, नहीं नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ था, वो आपके सामने है। रावण सिर्फ खुद स्वयं समाप्त नहीं हुआ था, उसका पूरा खानदान जो है रक्षा सभ्यता का अस्तित्व मिटा दिया गया था। तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, मतलब हमें आज के युग में जो चीज़ें बाहर हो रही हैं उससे सीखने की जरूरत नहीं, जो पहले हो चुकी है उसी से हमें शिक्षा मिल जाती है कि हमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव अपने भीतर करने चाहिए। जी, भजन तीरथ के दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हमें मतलब एक अवसर मिलता है रामलीला के मंच से अपने धर्म को, अपने धर्म का विस्तार करने का, रक्षा सभ्यता नहीं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, जो कि आज के युग में आवश्यकता हो गई है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सिमटते जा रहे हैं, आपस में ही दूरियां इतनी बढ़ा ली है हम लोगों ने जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो हिंदू धर्म को एक होने की आवश्यकता है और एक हो के साथ चलने की, साथ में ग्रो करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगा और आप सभी के मतलब जो भी आपके दर्शक हैं और जो दर्शकगण हमें मंच पर देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।